है भाई, ये राजू, ये भाई का कार्ड है, कार्ड है मेरा। कोर्ट में एक केस करता है। अब उस केस के कोर्ट से अप्रूवल जो आया था वो 45 डेज के अंदर आ गया था। फिर जब 45 डेज के बाद अप्रूवल आया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज चीमा व्लॉग्स। बड़े अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है जी। आपको पता है कि मैं ट्रैवलिंग पे था, दुबई में ऑफिस का सेटअप कर रहा था, तो फिर काफ़ी मामला थे जिसमें बिजी रहा हूँ। तो आज आपके लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, और एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। भाई को तो आप देख ही चुके होंगे कहीं, इनके अपना भी यूट्यूब चैनल है और बहुत से प्लेटफॉर्म के ऊपर ये वीडियोज़ भी बना कर डालते हैं। तो आज हमारे वीडियो में हमारे चैनल पे भी हैं। तो जो 6 टैक्स पे करके पुर्तगाल के अंदर आप रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं, तो उसके ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस और कन्फ्यूजन सोशल मीडिया पे देखी होगी। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दिया जाए। तो ये भाई हैं, इन्होंने 6 टैक्सेस के बाद वाला जो प्रोसेस किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इनका तो कार्ड आ गया। सबसे पहले जी आपको मुबारक हो बहुत बहुत, और दूसरा आज माइक हम एक यूज़ कर रहे हैं, दूसरे माइक की हमारी बैटरी डेड है। तो माइक भाई को देते हैं, और जो इनके एक्सपीरियंस है पहले वो शेयर करते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। ले जी, सबसे पहले जी आपको बहुत मुबारक हो, और लोगों को ज़रा प्रोसीजर बताएं और आपका एक्सपीरियंस कैसा पुर्तगाल में रहा, ज़रा अपनी ज़बानी खुद ही से बता दें लोगों को। थैंक यू वेरी मच यार शहबाज भाई, बहुत शुक्रिया, काफ़ी देर बाद मुलाकात हुई आपसे, बड़ा मज़ा आ रहा है यार। पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ आपके व्यूअर्स को, कि जब आप 6 टैक्सेस पे करते हो, पोर्चुगल में आते हो जॉब करके 6 टैक्सेस पे करते हो, या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करके करते हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए, जो आपका पहला रेजिडेंस कार्ड होता है। तो जब मेरे 6 टैक्सेस पूरे हो गए, मैं जॉब करता था, जब मेरे 6 टैक्सेस पूरे हो गए तो फिर मैं भी एक रास्ता ढूँढ रहा था, एक लीगल रास्ता जिसके थ्रू मुझे जल्दी कार्ड मिल जाए। अब वैसे जो आजकल क्यू है वो 2 साल है, 2 साल आपको ऑन एन एवरेज वेट करना पड़ता है, तब जाके आपको रेजिडेंस कार्ड की डेट मिलती है, जो फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड की डेट होती है। अब जब मेरे 6 टैक्सेस पूरे हो गए तो मैं एक लीगल वे ढूंढना शुरू हो गया कि कैसे उस 2 साल वाली क्यू से बचा जाए। तो फिर मैंने 2-3 दोस्तों से बात की, एक आप भी थे, आपने भी अच्छा मुझे गाइड किया, इनकी रिकमेंडेशन पर मैंने ये जो 6 टैक्सेस वाला प्रोसेस था ये अपना स्टार्ट किया। तो अब प्रोसेस पे बात करते हैं इटसेल्फ, के प्रोसेस होता क्या है, इसका सारा सिनेरियो क्या था। यार जब मेरे 6 टैक्सेस पूरे हुए तो मैं गया लॉयर के पास। अब लॉयर बेसिकली करता ये है कि वो आपकी सारी फाइल प्रिपेयर करता है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, निफनेस एक्सेट्रा, आपकी पे स्लिप्स, आपका कॉन्ट्रैक्ट, और भी 5-6 और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो गैदर करके कोर्ट में एक केस करता है। अब उस केस के एग्जैक्टली पॉइंट्स क्या होते हैं वो तो लॉयर को ही पता होगा, लेकिन उसमें शायद कुछ वो ह्यूमन राइट्स के पॉइंट्स डाल देता है, और वो शायद कुछ ऐसा डिक्लेयर करता है कि इस बंदे के, क्योंकि 6 टैक्सेस पूरे हो चुके हैं, ये एलिजिबल हो चुका है अपना फर्स्ट ERC अप्लाई करने के लिए, और इस बंदे को कोई एमरजेंसी है या कोई जल्दी है अपने होम कंट्री वापस जाने की या किसी भी थर्ड कंट्री जाने की। तो इस बंदे का प्रोसेस अभी आप स्टार्ट कर दें ताकि इस बंदे को जल्दी कार्ड मिल जाए, और फिर ये जल्दी पोर्चुगल से बाहर जा सके, ट्रैवल कर सके। तो ऐसे ही मैं पिछले साल जुलाई के फर्स्ट वीक में लॉयर के पास गया। उसका अपना भी कुछ वेटिंग पीरियड था, फिर उसने ऐसे ही किया, उसने कोर्ट में केस प्रोसेस किया, कोर्ट से मेरा अप्रूवल आया ऑन एन एवरेज 45 डेज़ के बाद। कुछ 45 डेज़ के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल गई थी आईमा में? नहीं, मुझे आईमा में अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी 45 डेज़ के बाद, मेरा जब अप्रूवल आ गया था। एग्जैक्ट, अप्रूवल आ गया था 45 डेज के। एग्जैक्टली, कोर्ट से अप्रूवल जो आया था वो 45 डेज के अंदर आ गया था। फिर जब 45 डेज के बाद अप्रूवल आया तो विद इन अ वीक मुझे लॉयर ने आईमा के अंदर डेट भी ले दी थी, मेरे फिंगर्स हो गए थे। 30 अक्टूबर को मेरे फिंगर हुए थे और मेरा कार्ड थोड़ा सा डिले हो गया था, मतलब कोई 2 हफ्ते शायद डिले हुआ था, लेकिन वो इस वजह से नहीं हुआ कि प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो गई थी, वो इस वजह से हुआ था क्योंकि आयमा ने सेफ को टेक ओवर कर लिया था, और बीच में कुछ छुट्टियां भी आ गई थी, इनका न्यू ईयर आ गया था, क्रिसमस आ गई थी, उस वजह से कोई तकरीबन 2 हफ्ते मेरा कार्ड डिले हो गया। लेकिन कोर्ट के हिसाब से और जो इनका लॉ है उस हिसाब से, जब कोर्ट का अप्रूवल आता है तो कोर्ट जो डॉक्यूमेंट देती है, अप्रूवल का जो डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट पर लिखा होता है कि 20 वर्किंग डेज़ के अंदर आयमा ने आपका कार्ड इशू करना है। तो 20 वर्किंग डेज तो कुछ भी नहीं है यार, जैसे पहले हम बता रहे हैं कि 2 साल ऑन एन एवरेज लग जाते हैं आपको आपका फर्स्ट ERC कार्ड लेते हुए। अब वो जो 2 साल का टाइम पीरियड है, अगर वो 6-7 महीने पे आ जाता है तो क्या चाहिए किसको, क्यों शहबाज भाई? Exactly, कितना बड़ा बेनिफिट है अगर आपको, आप अफोर्ड कर सकते हैं लॉयर वाला प्रोसेस जो है, तो भाई क्यों आप 2-2.5 साल धक्के खाएंगे, जिंदा मिसाल आपके सामने लाके खड़ी कर दी है जिन्होंने कार्ड बता दे भाई कार्ड आपका आ गया।
जी जी मैं दिखा भी देता हूँ, आप कहते हैं तो कार्ड मेरा बिल्कुल आ गया इसी प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, शुरू में जब मैंने ये प्रोसेस अपना स्टार्ट करवाना था तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज था, लीगैलिटीज़ के बारे में सोचता था कि यार इस प्रोसेस का मुझे आगे फ्यूचर में जाके कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर वैसी जैसे मैंने बताया कि मैंने दो दोस्तों से बात की, बड़े अच्छे दोस्त हैं वो भी, और तीसरे शहबाज भाई थे, तो जब इन तीन बंदों से मैंने बात की, अपनी रिसर्च पूरी की, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, हर चीज़ मुझे पता चल गई कि कोई लीगल इशू नहीं है। बाकायदा आपको दो ईमेल्स आती हैं आईएमआर से, पहली ईमेल आपके अप्रूवल की और दूसरी जो आपने डेट उठानी होती है उसकी, तो बिल्कुल लीगल प्रोसेस है। आप लॉयर के थ्रू काम करते हो और आपको ईमेल्स आती हैं, फिर आपके फिंगर होते हैं और बिल्कुल लीगल वे में आपका कार्ड आपको इशू हो जाता है। कई लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे ये कहते हैं जी आपको नेशनैलिटी के टाइम प्रॉब्लम होगी, तो इसके हाँ। बारे में ये बता दें कि क्या ये कार्ड आपको प्रॉब्लम करेगा नेशनैलिटी के टाइम पे? बिल्कुल नहीं, इस पे भी मैंने बहुत रिसर्च की थी, मेरे दो तीन दिन हाल ही इसी पे ज़ाया हो गए थे। उसके बाद जाके मैंने लॉयर से बात की थी, नेशनैलिटी के टाइम पे आपको कोई बिल्कुल किसी किस्म का मसला नहीं आ सकता, इसलिए क्योंकि कोर्ट का अप्रूवल है भाई। जब कोर्ट का अप्रूवल आएगा तो अब ये कोई देसी कोर्ट्स तो है नहीं जिनकी कोई बात मानता नहीं, पोर्चुगीज़ कोर्ट है, तो पोर्चुगीज़ कोर्ट की अथॉरिटी वैसे ही होती है जैसे किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की हो सकती है। तो बिल्कुल लीगल प्रोसेस है, नेशनैलिटी के टाइम पर आपको कोई किसी किस्म का मसला नहीं आ सकता। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ही ये प्रोसेस ना करवाता। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी शहबाज भाई। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये चीज़ है कि लोग बाज़ दफ़ा डर जाते हैं कि इसमें उनको कोई फ्यूचर में नुकसान तो नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको दो साल वेट नहीं करना, अगर आपको जल्दी है कार्ड लेने की, तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। और भी काफ़ी प्रोग्राम्स हैं लेकिन ये प्रोग्राम जो है ये बेस्ट प्रोग्राम था। छः टैक्सेस पे करें लॉयर के थ्रू, उसको उसके होते हैं डेफिनेटली चार्जेस, वो ऐसे तो काम नहीं करेगा। छः टैक्सेस पे करें, लॉयर की फ़ीस पे करें और जल्दी कार्ड ले लें। अब मुझे मिल गया, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ आराम से। कार्ड दिखा भी दें बेहतर ही है, आप कार्ड दिखा दें क्योंकि लोग समझेंगे शायद कार्ड नहीं है, हम लोग वैसे ही जो है ना वीडियो बना रहे हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई यहाँ पे बड़े बड़े अफलातून हैं, और अगर आप जो है दिखाएं भाई, ये राजी, ये भाई का कार्ड है मेरा, ठीक है? अगर आप कहते हैं तो मैं क्लोजअप कर, नहीं बस ठीक है, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये भाई जिंदा मसाल आपके सामने, अगर अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे बड़े लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि नहीं हम आपको ये नहीं रिकमेंड करते, जैसे हमने दो साल धक्के खाए हैं आप भी दो साल धक्के खाओ। लोगों की मैंटेलिटी हमारे देशियों की ऐसी होती है। तो देखें जो एजुकेटेड बंदा होता है ना वो इन चीज़ों को समझता है, रिसर्च करता है, खुद जाके लॉयर से बात करता है, और आप लॉयर आप सर मेरे ख्याल इंटरव्यू भी करते हैं ना, आपकी फाइल को पूरा स्टडी करते हैं। जी, 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 तो लॉयर आपका स्टडी करके फिर केस लेते हैं। मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं यहाँ पे कि जब मैं लॉयर के पास गया था तो जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो सापा पोर्टल है, जब आप आते हो फाइल लॉक करवाते हो, वो सारी डिटेल्स उसने मेरी चेक की थी। उसने मुझसे मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड लिया, मेरा जो सापा पोर्टल था वो खोला, उस पर जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए हुए थे वो चेक किए। उससे असल में ये चेक करना था कि बंदे ने डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर और जेन्युइन अपलोड किए हैं कि नहीं, कोई दो नंबर डॉक्यूमेंट तो नहीं है, क्योंकि जब वो कोर्ट में केस करता तो ज़ाहिर है उसकी भी एक रैपो होती है। तो ये सारी चीज़ें उसने चेक की थी मेरी। तो ये सारा प्रोसेस है शहबाज भाई, उम्मीद है कि लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इससे। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी कि भाई अगर आप लीगल हैं तो 6 टैक्सीज़, और अगर इलीगल हैं तो 12 टैक्सीज़ पे करके आप, इसमें भी लॉयर सभी एक्सपर्ट नहीं हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि बाहर बैठ के फॉर्म फिल करने वाले भी लॉयर होते हैं और अंदर बड़े बड़े केस लड़ने वाले भी लॉयर होते हैं। तो लॉयर जो है ना वो आपने चूज़ करना है बेहतर, जो कि आपका केस रिजेक्ट ना करवाए, अप्रूव्ड के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो भाई का भी चैनल है, ये भी ट्रैवलिंग व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव, मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये भी मज़ीद इस प्रोसेस के मुताबिक मज़ीद डिटेल में वीडियोस केस टू केस डालेंगे, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और हमारी ऑडियंस को गाइड किया कि भाई आप भी ये प्रोसेस स्टार्ट करके जल्दी कार्ड ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, अल्लाह हाफिज़।